Good afternoon to all. So we are going to discuss about the yesterday FTD GS set. Here the question number one. Clear. The first question is, Das was an important member of the Hindustan Republican Association, who along with his associates executed the train Dakoti at Karakori. Clear. तो पहली बात तो याद देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है आपका क्या, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन. याद देखिएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एक पार्टी था जिसको फॉर्मेशन किया गया था 1923 में. कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाई दिस पार्टी वाज फॉर्म. सो दिस पार्टी वाज मेनली फॉर्म्ड बिकॉज एज द महात्मा गांधी स्टॉप द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आफ्टर द चोरी चोरा इंसिडेंट. चोरी चोरा इंसिडेंट के बाद क्या हुआ था आपका, महात्मा गांधी जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिए थे तो कुछ लोग क्या हुए थे, खुश नहीं थे उस चीज से, और वो लोगों ने क्या किया था आपका, एक अलग पार्टी फॉर्मेशन किया था जिसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसके जो मेंबर थे उसमें एक में थे आपके कौन, असफुल्ला खान, और एक थे आपके कौन, राम प्रसाद बिस्मिल. क्लियर. राम प्रसाद बिस्मिल ये दो इंपॉर्टेंट मेंबर थे किसके आपके, ये दोनों इंपॉर्टेंट मेंबर थे आपके हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का. और ये पार्टी क्या किया था आपका, याद रखिएगा, 9 अगस्त 1925 में. क्लियर. 9 अगस्त 1925 में क्या किया था ये, तो ये एग्जीक्यूट किया था क्या आपका, तो ये एग्जीक्यूट किया था आपका, याद देखिएगा क्या, काराकोरी ट्रेन कॉन्स्पर्सी, यानी ट्रेन था, ट्रेन को क्या किया गया था, लूटा गया था बाय राम प्रसाद बिस्मिल, असफुल्ला खान. क्लियर हो गया आपका. नेक्स्ट द सेकंड क्वेश्चन, सेकंड नंबर है आपका, हु इंट्रोड्यूस्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसको, किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो करेक्ट आंसर विल बी योर लॉर्ड डलहौसी. रिमेंबर, लॉर्ड डलहौसी इंट्रोड्यूस्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये था कि अगर कोई राजा, ठीक है, अगर कोई राजा है उसके मरने के बाद, क्लियर, अगर कोई राजा है उसका कोई एंसेस्टर, अगर कोई लड़का नहीं है, कोई उसको साम्राज्य को चलाने के लिए अगर कोई लड़का नहीं है तो उस साम्राज्य का मालिक कौन हो जाएगा, उस राज्य का मालिक हो जाएगा कौन आपका, ब्रिटिश गवर्नमेंट. ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करेगा, अपने अंडर में ले जाएगा. ये था आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. इसके तहत बहुत सारे जगह को आपका ब्रिटिशर्स ने कब्जा किया था, जैसे कि संबलपुर हो गया, नागपुर हो गया आपका, सतना हो गया, तो इस प्रकार से बहुत सारे जगह को कब्जा किया गया था. तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, याद देखिएगा, किसके द्वारा, लॉर्ड डलहौसी के द्वारा किया गया था. एंड इट इज वन ऑफ द प्राइमरी कॉज फॉर द, यू कैन से दैट व्हाट, द रिवॉल्ट ऑफ 1857, जो आपका सिपाही विद्रोह 1857 हुआ था, इसका एक इंपॉर्टेंट कारण था क्या आपका, ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का लाना. क्लियर. तो इसको लाया गया था लॉर्ड डलहौसी के द्वारा, और इसको हटाया गया था, याद देखिए, किसके द्वारा इसको हटाया गया था आपका, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया. याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग हमारे इंडिया के पहले वाइसरॉय थे, उनके द्वारा क्या किया गया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को इंट्रोड्यूस किया गया था. लॉर्ड लिटन आपको याद रखा होगा, लॉर्ड लिटन वाज द मोस्ट अनपॉपुलर वाइसरॉय ऑफ इंडिया. लॉर्ड लिटन को बोला जाता है क्या आपका, मोस्ट अनपॉपुलर वाइसरॉय ऑफ इंडिया. क्लियर हो गया आपका. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. नेक्स्ट क्वेश्चन है तीन नंबर, हु अमंग द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द ईयर 1938 एंड 1939. याद देखिएगा, 1938 में और 1939 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो उसके प्रेसिडेंट थे आपके, याद देखिएगा, सुभाष चंद्र बोस. क्लियर. 1938 याद रखिएगा आपका, 1938 हरिपुरा सेशन, 1938 हरिपुरा सेशन, और 1939 आपका त्रिपुरी सेशन. 1938 हरिपुरा सेशन और 1939 त्रिपुरी सेशन, ये दोनों सेशन के जो प्रेसिडेंट थे वो थे आपके सुभाष चंद्र बोस. लेकिन याद रखिएगा, 1939 का जो त्रिपुरी सेशन है, ठीक है, 1939 का जो त्रिपुरी सेशन है, उस त्रिपुरी सेशन में क्या हुआ था, सुभाष चंद्र बोस बीच में छोड़ के निकल गए थे, जिनके बाद क्या हुआ था याद रखिएगा, उस सेशन को लीड किया था किसको, तो उस सेशन को लीड किया था आपका राजेंद्र प्रसाद ने. याद रखिएगा, 1939 त्रिपुरी सेशन को क्या हुआ था, सुभाष चंद्र बोस बीच में छोड़ दिए थे. क्यों, क्योंकि उनका डिस्प्यूट हो गया था समथिंग विद महात्मा गांधी, एंड उस सेशन को उसके बाद क्या किया था, उनके छोड़ने के बाद याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद ने लीड किया था. यही एक क्वेश्चन अगले साल आपका जो प्रीवियस, अगले बार जो आपका एसओ एग्जाम हुआ था उसमें भी क्वेश्चन पूछा था कि महात्मा गांधी कौन सा सेशन को आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस को लीड किए थे. तो याद देखिएगा, महात्मा गांधी ने लीड किया था सिर्फ एक ही बार, 1924 बेलगाम सेशन. ठीक है, बेलगाम सेशन को लीड किया था. इस प्रकार से इंडियन नेशनल कांग्रेस लीडर कुछ देखा जाए तो वाइसरॉय उस समय थे आपके, याद देखिएगा, लॉर्ड डेफरिन, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ. उसके साथ साथ याद देखिएगा, पहली महिला प्रेसिडेंट थी आपकी एनी बेसेंट 1917 में,
पहली भारतीय महिला प्रेसिडेंट थी आपकी कौन, सरोजिनी नायडू 1925 में, जवाहरलाल नेहरू 1929 लाहौर सेशन। ओके, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे आपके बदरविंद तैयब जी, फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट थे आपके जॉर्ज यूल। क्लियर, तो ये कुछ इंपोर्टेंट है आपको याद रखना होगा। चलिए चार नंबर पे आता है, चार नंबर क्वेश्चन क्या है, ए प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया विच वॉज प्रिपेयर्ड बाय ए क्रॉस सेक्शन ऑफ इंडिया, विच वॉज प्रिपेयर्ड बाय ए क्रॉस सेक्शन ऑफ इंडिया, ये थोड़ा रिपीट हो गया आपका दो बार, क्रॉस सेक्शन ऑफ इंडिया लीडिंग कैपिटलिस्ट इन 1944 वॉज पॉपुलरली नोन एज विच प्लान, उसको पॉपुलरली हम लोग कौन से प्लान बोलते हैं, याद रखिएगा, इट इज पॉपुलरली नोन एज द बॉम्बे प्लान। ठीक है, बॉम्बे प्लान क्लियर हो गया आपका, याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, बॉम्बे प्लान हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट पांच नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द वर्ल्ड। ओके, महात्मा गांधी के हिसाब से दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है, नॉन वायलेंस ऑफ द ब्रेव, नॉन वायलेंस ऑफ द वीक, नॉन वायलेंस ऑफ द क्राउड, नॉन वायलेंस ऑफ द डाउन ट्रोडन, आंसर विल बी द नॉन वायलेंस ऑफ द ब्रेव। ओके, अहिंसा ताकत लोगों का जो अहिंसा होता है, ठीक है, महात्मा गांधी ने याद देखिएगा इंडिया में जब इंडिपेंडेंस दिया तो उनका दो मेन मोटो हुआ था, एक तो था आपका कौन सा, अहिंसा, और दूसरा था आपका सत्याग्रह। ठीक है, ये दो हम आपका बोल सकते हो क्या महात्मा गांधी के वीपन थे ड्यूरिंग द फ्रीडम फाइट ऑफ आवर इंडियन नेशनल मूवमेंट। नेक्स्ट सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए छह नंबर क्वेश्चन दिया है, अकॉर्डिंग टू दादा भाई नारोजी स्वराज मीन्स, ठीक है, दादा भाई नारोजी के हिसाब से स्वराज का मतलब क्या होता है, तो स्वराज का मतलब होता है, याद देखिएगा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। क्लियर, स्वराज मीन्स लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, याद रखिएगा, स्वराज का मतलब क्या होता है, तो स्वराज का मतलब होता है क्या, लोकल आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। क्लियर, नेक्स्ट, इसको पहली बार डिमांड किया गया था, याद देखिएगा, 1906 में पहली बार डिमांड किया गया था, किसके द्वारा, दादा भाई नारोजी के द्वारा। क्लियर हो गया आपका, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सात नंबर क्या दिया, देखिए, महात्मा गांधी वॉज प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड बाय द राइटिंग्स ऑफ, महात्मा गांधी किसके राइटिंग से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे, तो याद देखिएगा, महात्मा गांधी वॉज प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड बाय द राइटिंग्स ऑफ लियोस्टले। क्लियर, लियोस्टले का जो राइटिंग था उससे क्या हुआ था, महात्मा गांधी बहुत इन्फ्लुएंस हुए थे, ये एक रशियन राइटर है, याद देखिएगा, ये एक रशियन राइटर है। क्लियर, ये एक रशियन राइटर थे और इनका जो राइटिंग था उससे क्या हुआ था, महात्मा गांधी बहुत ही ज्यादा क्या हुआ था आपका, इन्फ्लुएंस हुए थे। तो निम्न पाठ्यक्रम बहुत बढ़िया। ओके, बाकी लोग भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आपका जो भी आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं हमको, ठीक है, जो भी आपका आंसर हो रहा है, अगर आप आंसर देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आपका आंसर आपको क्या देना है। क्लियर, आपको आपके हिसाब से आंसर क्या होगा। क्लियर, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपका एग्जाम में, कल जो आपका एफटीडी एग्जाम हुआ था एसओ का, उसमें आपका सारा का सारा क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आठ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, आठ नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, हु सेड पेट्रोलिज्म इज रिलीजियन एंड रिलीजियन इज लव फॉर इंडिया। पेट्रोलिज्म जो है, ठीक है, वही रिलीजियन है। ओके, हिंदू मुस्लिम ये कुछ रिलीजन नहीं है, रिलीजन क्या है आपका, पेट्रोटिज्म, पेट्रोटिज्म इज रिलीजन एंड रिलीजन इज लव फॉर इंडिया, रिलीजन क्या है, इंडिया का लव है। ये वर्ड किसने दिया था, राजनारायण बोस, बंकिम चंद्र चटर्जी, स्वामी विवेकानंद एंड आचार्य विनोबा भावे। द करेंट आंसर विल बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्होंने अभी नोवेल भी लिखा था, जिस नोवेल का नाम है, याद देखिएगा क्या, जिस नोवेल का नाम है आपका आनंद मठ, और इस आनंद मठ में ही क्या था, इस आनंद मठ में ही था आपका वंदे मातरम। ठीक है, इस आनंद मठ में ही था क्या आपका वंदे मातरम, जिसको हमारे इंडिया का क्या बनाया गया, इस वंदे मातरम को इंडिया का बनाया गया आपका नेशनल सॉन्ग, याद देखिएगा, इस वंदे मातरम को ही हमारे इंडिया का क्या बनाया गया था, तो इस वंदे मातरम को हमारे इंडिया का बनाया गया था नेशनल सॉन्ग। कब बनाया गया था, तो 24 जनवरी 1950, याद देखिएगा, 24 जनवरी 1950 में ये जो वंदे मातरम है, क्लियर, इस वंदे मातरम को ही क्या किया गया था, हमारे इंडिया का नेशनल एंथम, सॉरी नेशनल सॉन्ग बनाया गया था। तन्मय सी मिशन ये बहुत बढ़िया, जो भी आपका आंसर आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, नौ नंबर के क्वेश्चन आते हैं, नौ नंबर क्वेश्चन क्या देखिए, नौ नंबर क्वेश्चन है, द सॉन्ग जनगण मना कंपोज बाय रविन्द्रनाथ टैगोर वाज फर्स्ट पब्लिश इन जनवरी 1912 अंडर द टाइटल ऑफ। 1912 में जो जनगण मन कंपोज किया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, उसमें कौन से टाइटल के साथ पब्लिश किया गया था, तो याद देखिएगा, दैट वाज पब्लिश अंडर द टाइटल ऑफ भरत विधाता। ठीक है, भरत विधाता, भरत विधाता टाइटल से इसको पब्लिश किया गया था, और इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है, ठीक है, इसका याद रखिएगा, जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है, ठीक है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया था आपका, याद रखिएगा, 1919 में। ठीक है, और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कौन करवाया था, जिससे इंग्लिश ट्रांसलेशन करवाया था आपका, याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने ही करवाया था। ठीक है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करवाया था किसको आपका,
रविन्द्रनाथ टैगोर ने करवाया था 1919 में, और इंग्लिश ट्रांसलेटर का टाइटल जो था वो था आपका याद देखिएगा मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। ओके, जो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ था याद देखिएगा उसका टाइटल क्या था, तो जो इंग्लिश ट्रांसलेशन था उसका टाइटल क्या है आपका, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। क्लियर, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया इसका क्या है आपका टाइटल था, याद रखिएगा। क्लियर, नेक्स्ट 10 नंबर पे आते हैं, 10 नंबर पे आ गया, यस बहुत बढ़िया। नेक्स्ट 10 नंबर, एट विच प्लेस इन बंगाल वाज द ईस्ट इंडिया कंपनी गिवन परमिशन टू ट्रेड एंड बिल्ड ए फैक्ट्री बाय द मुगल्स इन 1651, तो आंसर विल बी द कासिम बाजार। ठीक है, जो कासिम बाजार है, कासिम बाजार में क्या किया गया था आपका, मुगलों के द्वारा परमिशन दिया गया था, किसके द्वारा, ब्रिटिशर्स को, टू एस्टैब्लिश द ईस्ट इंडिया कंपनी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, 11 नंबर, हु अमंग द फॉलोइंग एनालाइज द कॉज ऑफ अपराइजिंग ऑफ 1857 एडवोकिंग रेकोनिलिएशन बिटवीन द ब्रिटिश एंड द मुस्लिम। ब्रिटिश और मुस्लिम के बीच में जो रेकोनिलिएशन था वो आपका क्या था, आपका कॉजेस ऑफ अपराइजिंग, उसका 1857 का रिवोल्ट का बनने का कारण था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका याद देखिएगा कौन सा, सईद अहमद खान साहब मुलिमुल्ला, सईद अहमद खान, सईद अमली, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। यस, व्हाट इज द करेक्ट आंसर, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो बहुत बढ़िया, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सी, द करेक्ट आंसर विल बी योर सी। नेक्स्ट 12 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथोराइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन एनी पर्सन विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। तो कौन सा एक्ट के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना पावर देता है कि वो किसी भी आदमी को बिना किसी अरेस्ट वारंट का, बिना किसी लॉ के आपका क्या कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है। तो द करेक्ट आंसर विल बी योर रिमेंबर दैट इज 12 का आंसर होगा आपका, कौन सा 12 का होगा, रावलेट एक्ट 1919, जिसके तहत जिसके तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आपको पता होगा दो आदमी को अरेस्ट भी किया था जिसका नाम था डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। ओके, जिसके अरेस्ट के खिलाफ क्या हुआ था, पीपुल ऑफ अमृतसर, अमृतसर के जो लोग थे वो क्या किए थे आपके, गेट टुगेदर किए थे कहां पे आपका, जलियांवाला बाग में। ठीक है, अप्रैल 13, 1919 में, जो कि क्या हुआ था आपका, जलियांवाला बाग में, इसका आपको पता होगा। तो वही रावलेट एक्ट 1919 के तहत हुआ था, याद देखिएगा। नेक्स्ट 13 नंबर पे आ जाते हैं, 13 नंबर क्या दिया देखिए, नेम द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, याद देखिएगा महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु थे, याद देखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के जो पॉलिटिकल गुरु हैं वो कौन थे, तो महात्मा गांधी के जो पॉलिटिकल गुरु है वो है आपका याद देखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए 14 नंबर पे आते हैं, द नेशनल एंथम वॉज फर्स्ट सॉन्ग इन 1911 एट द एनुअल सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड एट कलकत्ता। याद देखिएगा कलकत्ता सेशन जो था इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1911 में, वो तब गाया गया था आपका हमारा इंडिया का नेशनल एंथम जनागण मन। याद देखिएगा जनागण मन जो है उसको गाने का जो कंप्लीट टाइम है वो है आपका 52 सेकेंड। ठीक है, इसको गाने का जो कंप्लीट टाइम है उसका मतलब उसका जो कंप्लीट सेशन है गाने का वो कितना है आपका 52 सेकेंड। ठीक है, इट वॉज एक्सेप्टेड एज द नेशनल एंथम ऑन 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 में क्या किया गया था आपको याद देखिएगा, इसको नेशनल एंथम के हिसाब से ग्रहण किया गया था 24 जनवरी 1950 में। नेक्स्ट 15 नंबर पे आते हैं, ऑन विच डे इज द कॉन्स्टिट्यूशनल डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशनल डे को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 26 नवंबर को। ठीक है, क्योंकि 26 नवंबर में क्या हुआ था याद रखिएगा, हमारे भारतीय संविधान का लिखना कंप्लीट हुआ था। आप सभी को पता होगा कि हमारे भारतीय संविधान सभा का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 6 दिसंबर 1946 में हुआ था, और उन्होंने अपना काम करना शुरू किया था 9 दिसंबर 1946 में, और जो कंप्लीट किया था वो कब किया था, तो कंप्लीट किया था 26 नवंबर 1949 में कंप्लीट किया था। क्लियर, तो 26 नवंबर में क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखना कंप्लीट हुआ था इसलिए क्या किया जाता है 26 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डे। मैं यहां से आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के कि 26 नवंबर को पहली बार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डे कौन सा ईयर में सेलिब्रेट किया गया था, बताइए तो इसका आंसर। 26 नवंबर विल बी सेलिब्रेटेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डे, इसको पहली बार कौन सा ईयर में सेलिब्रेट किया गया था 26 नवंबर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डे, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। नेक्स्ट 16 नंबर, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज फॉर्म बाय प्लानिंग कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्वियसली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया ने, जिसका फॉर्मेशन हुआ था याद देखिएगा 6 दिसंबर 1946 में बाय कैबिनेट मिशन प्लान, बाय द प्लान ऑफ कैबिनेट मिशन। याद देखिएगा कैबिनेट मिशन के प्लान के तहत क्या किया गया था, भारतीय संविधान सभा का फॉर्मेशन हुआ था कब, तो 6 दिसंबर 1946 में क्या हुआ था, रॉन्ग आंसर, 1959 में नहीं हुआ था, बहुत ही गलत आंसर है, 1949 में नहीं हुआ था, कंप्लीट हुआ था सिने 1949 में, भारतीय संविधान सभा ने
26 नवंबर 1949 में इसको कंप्लीट किया था, लेकिन इसको सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया था 2017 से, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डे 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया था पहली बार, कब? तो इसको पहली बार सेलिब्रेट किया गया था, याद रखिएगा, 2017 में सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है, इसको याद रखिएगा। 1949 लिख रहे हैं सब, गलत है, 2017 में इसको पहली बार सेलिब्रेट किया गया था। नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं 17 नंबर, द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज डेसिग्नेटेड ईयर एस 2021, 2021 को कौन सा साल के हिसाब से अनाउंस किया गया, तो इसका अनाउंस किया गया, याद देखिएगा, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, याद देखिएगा कौन सा ईयर के हिसाब से अनाउंस किया गया है, तो इसको अनाउंस किया गया है, याद देखिएगा, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के हिसाब से अनाउंस किया गया है, कौन सा ईयर, तो आपका 2021 का जो ईयर चल रहा है बाय द यूनाइटेड नेशन। 18 नंबर पे आते हैं, 18 नंबर क्या दिया है, देखिए, व्हाट डज द व्हील इन द नेशनल फ्लैग रिप्रेजेंट, द नेशनल फ्लैग में जो व्हील है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, द व्हील रिप्रेजेंट द, याद रखिएगा, ग्रोथ, प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट करता है, आपको पता होगा ट्राई कलर होता है, तो जो ऊपर की तरफ सेफ्रॉन होता है, सेफ्रॉन स्टैंड फॉर करेज, सेफ्रॉन किसका प्रतीक होता है, याद रखिएगा, करेज का प्रतीक होता है, व्हाइट किसका प्रतीक होता है, तो व्हाइट होता है, याद रखिएगा, पीस का प्रतीक होता है, और ग्रीन, ग्रीन इज ऑल्सो सिंबल ऑफ प्रोग्रेस, ग्रीन किसका सिंबल है, तो ग्रीन सिंबल है आपका प्रोग्रेस का। लेंथ इज टू ब्रेथ का अगर रेशियो देखते हो तो वो है आपका, याद देखिएगा, 3:2। नेशनल फ्लैग को डिजाइन किसने किया था, तो नेशनल फ्लैग को डिजाइन किया था, याद देखिएगा, पिंगली वेंकैया, ओके, पिंगली वेंकैया ऑफ आंध्र प्रदेश ने 1929 में, याद देखिएगा, नेशनल फ्लैग को डिजाइन किया गया था, और दैट ट्राई कलर फ्लैग एज द एक्सेप्टेड एज द नेशनल फ्लैग ऑन रिमेंबर 22 जुलाई 1947, ठीक है, 22 जुलाई 1947 में क्या किया गया था, उस फ्लैग को नेशनल फ्लैग के हिसाब से ग्रहण किया गया था। नेक्स्ट 19 नंबर आइए, विच यूनियन मिनिस्ट्री इज द ऑथर ऑफ द नोवेल लाल सलाम, लाल सलाम जो नोवेल है, ठीक है, वो कौन से यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा लिखा गया है, लाल सलाम, ठीक है, लाल सलाम जो नोवेल है ये क्लियर, लाल सलाम जो नोवेल है किस किसके द्वारा लिखा गया था, तो लाल सलाम जो नोवेल है, बताइए तो कमेंट में लिख के बताइए किसके द्वारा लिखा गया था। ओके, हमारी जो स्मृति ईरानी है, ठीक है, स्मृति ईरानी जी जो है, स्मृति ईरानी जी द्वारा लिखा गया था, कौन सा आपका, लाल सलाम, क्लियर। अच्छा मुझे बताइए जो स्मृति ईरानी है, स्मृति ईरानी का लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सा है, मुझे बताइए कमेंट में लिख के, देखिए स्मृति ईरानी का लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सा है, कौन से लोकसभा सीट से आपका स्मृति ईरानी जीती थी, उन्होंने बहुत ही फेमस रूलर को हराया था, फौज से बहुत ही फेमस एक आपका नेता थे जिनको हराया था, किसने, स्मृति ईरानी, तो कमेंट बॉक्स में लिखाइए, लिखिए उनका लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है। 20 नंबर पे आइए, बायकैमरल सिस्टम इज ए फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऑब्वियसली फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट का मतलब होगा क्या आपका, सेंटर में भी गवर्नमेंट रहेगा, स्टेट में भी गवर्नमेंट रहेगा, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इज द बाइकैमरल सिस्टम, इसको बोरोड किया गया, याद देखिएगा, बाइकैमरल सिस्टम को बोरोड किया गया था हमारे इंडिया में यूके से, बट द फेडरल सिस्टम हैज बीन बोरोड फ्रॉम आपका कनाडा, याद रखिएगा, हमारे इंडिया में जो फेडरल सिस्टम है इसको बोरोड किया गया है आपका कनाडा से, और जो बाइकैमरल सिस्टम है वो बोरोड किया गया कौन सा कंट्री से, तो वो बोरोड किया गया आपका, याद देखिएगा, यूके से बोरोड किया गया है। चलिए बहुत ही बढ़िया, नेक्स्ट, रायबरेली नहीं है भाई, रायबरेली तो आपका लुस्का है, रायबरेली जो है देवाशीष आचार्य जी, रायबरेली आपका सोनिया गांधी का लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, अमेठी, अमेठी से हराया गया था। 21, द डिविजन ऑफ पावर एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी आर टू इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ, किसका इंपॉर्टेंट फीचर्स है, ओके, डिविजन ऑफ पावर, अगर सेंटर और स्टेट में क्या होगा, पावर देना और जुडिशियरी का इंडिपेंडेंट देना, ठीक है, ये एक्चुअली कौन सा आपका पूछा है, टू इंपॉर्टेंट फीचर्स है, किसके इंपॉर्टेंट फीचर है, तो याद देखिएगा, फेडरल कैरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट, ओके, गवर्नमेंट का जो फेडरल कैरेक्टर होता है, फेडरल कैरेक्टर का मतलब हो गया कि सेंटर में भी गवर्नमेंट रहेगा, स्टेट में भी गवर्नमेंट रहेगा, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी रहेगा, तो जो अधिकार दिया गया है वो कौन सा होगा आपका, वो होगा आपका बी। नेक्स्ट 22, द एडवांटेज ऑफ यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज, यूनिटरी सिस्टम हमारे में क्या है आपका, यूनिटरी है आपका, पार्टली यूनिटरी है, पार्टली क्या है आपका, फेडरल है, तो यूनिटरी का क्वेश्चन पूछा है कि यूनिटरी का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है, तो यूनिटरी सिस्टम का जो इंपॉर्टेंट फीचर होता है वो होता है आपका, याद देखिएगा, स्ट्रॉन्ग स्टेट, स्ट्रॉन्ग स्टेट, क्लियर। नेक्स्ट 23 पे आ जाइए, 23 क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कौन सा फीचर नहीं है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारे इंडिया में, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी है हमारे में, फेडरल गवर्नमेंट है, लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे में नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा, सी हमारा नहीं होगा, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे में नहीं है। नेक्स्ट डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, सोशलिज्म का मतलब क्या होता है, सोशलिज्म का मतलब होता है ऑल आर इक्वल, सब कोई समान है हमारे देश में, ठीक है,
तो उसका एम क्या होता है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का एम क्या है? तो ब्रिंगिंग अबाउट सोशलिज्म थ्रू पीसफुल मीनिंग्स, ब्रिंगिंग अबाउट सोशलिज्म थ्रू वायलेंट एंड पीसफुल मीन्स, वायलेंट तो कभी नहीं होगा, ब्रिंगिंग डेमोक्रेटिक सोशलिज्म थ्रू वायलेंट मीन्स एंड ब्रिंगिंग सोशलिज्म थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स, आंसर होगा आपका डी। ओके, समाजवाद को लाना डेमोक्रेटिक वे में, ठीक है, आपका राज आपका डेमोक्रेटिक में लोगों के लिए, लोगों का, लोगों के द्वारा आपका समाजवाद को लाना, उसको बोला जाता है क्या, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, उसी को हम लोग बोलते हैं, यहां देखिएगा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। चलिए करेक्ट, नेक्स्ट 25, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज द मोस्ट प्रोफाउंड इंटरफेरेंस ऑफ इन फॉर्मिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, रिमेंबर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है वो आपका इंपोर्टेंट फीचर है, याद देखिएगा किसका, मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर है फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नियरली 70% जो हमारा भारतीय संविधान का पार्ट है वो कहां से बोरोड किया गया है, तो वो बोरोड किया गया, देखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरोड किया गया है। 26 नंबर, आकाशा एयर विच वॉज अप्रूव टू ऑपरेट इन इंडिया इज बैक्ड बाय विच बिजनेसमैन, रिमेंबर राकेश झुंझुनवाला, ठीक है, आकाशा एयर किसका है, तो आकाशा एयर है आपका, याद रखिएगा, राकेश झुंझुनवाला। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज सेट अप इन, कब सेटअप किया गया था, तो 1964 6 दिसंबर, याद रखिएगा, 6 दिसंबर 1946 अकॉर्डिंग टू द प्लान ऑफ कैबिनेट मिशन, ठीक है, कैबिनेट मिशन के प्लान के तहत क्या किया गया था, इसको फॉर्मेशन किया गया था, कब किया गया था, 6 दिसंबर 1946 में, और उन्होंने अपना काम करना शुरू किया था, याद देखिएगा, 9 दिसंबर 1946 में, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 में उन्होंने काम करना शुरू किया था, और क्लियर, और फॉर्मेशन होता 6 दिसंबर 1946 बाय द प्लान ऑफ द कैबिनेट मिशन। 28, Who among the following was not a member of the Constituent Assembly? Obviously, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी was not a member of the Constituent Assembly of India. ठीक है, महात्मा गांधी याद रखिएगा भारतीय संविधान सभा के मेंबर नहीं थे। नेक्स्ट, गारो खासी रेंज, गारो खासी रेंज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट, ऑब्वियसली सबको पता है मेघालय, गारो खासी और जांतिया, ठीक है, जो तीन इंपॉर्टेंट पीक हैं किसके, आपके मेघालय के, गारो खासी और जांतिया, क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, 30 नंबर पे आइए, ये पीडीएफ मिलेगा सर, ये ऑलरेडी आपका कल एफटीडी टेस्ट हुआ था, इसमें हुआ था, ठीक है, विश्वजीत पात्र जी, विच द फॉलोइंग पासेस कट थ्रू पीर पंजाल रेंज एंड लिंक्स मनाली एंड लेह बाय रोड, ठीक है, कौन सा पास कट करता है पीर पंजाल रेंज को एंड लिंक्स मनाली एंड लेह बाय रोड, मनाली और लेह को रोड में कनेक्ट करता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका, याद देखिएगा, रोहतांग पास, ठीक है, आपका जो रोहतांग पास है वो कट करता है। देखिए सबसे पहले अगर ऊपर इंडिया में अगर देखते हो तो सबसे ऊपर की तरफ आपको एक रेंज देखने को मिलेगा, वो होगा आपका, याद देखिएगा, काराकोरम रेंज, ठीक है, काराकोरम रेंज, काराकोरम रेंज के नीचे जो रेंज देखने को मिलता है वो हो गया आपका, याद देखिएगा, लद्दाख रेंज, लद्दाख रेंज के नीचे जो रेंज देखने को मिलता है वो हो गया आपका, याद देखिएगा, जस्कार रेंज, जस्कार रेंज के नीचे आपको देखने को मिलेगा ग्रेटर हिमालय, और ग्रेटर हिमालय के नीचे देखने को मिलेगा आपको, याद देखिएगा, पीर पंजाल रेंज, उसके नीचे देखने को मिलता है आपका, याद देखिएगा, पीर पंजाल रेंज। नेक्स्ट 31, द थार डेजर्ट ऑल्सो नोन एज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट लाइज टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ डेस हिल, ऑब्वियसली अरावली हिल्स, ठीक है, ये अगर आपका अरावली हिल्स होता है तो अरावली हिल्स के इस तरफ में, याद देखिएगा, आपको क्या देखने को मिलेगा, तो अरावली के इस तरफ देखने को मिलेगा आपको थार डेजर्ट, ठीक है, थार डेजर्ट अगर देखा जाए तो थार डेजर्ट आपका दुनिया का 17वां सबसे बड़ा डेजर्ट है, याद देखिएगा, दुनिया में कितने नंबर पे आता है ये, तो दुनिया में थार डेजर्ट, याद देखिएगा, आपका 17 नंबर पे आता है आपका थार डेजर्ट, क्लियर, और याद देखिएगा थार डेजर्ट का कुछ भाग कहां पे आपका पाकिस्तान में भी है, ठीक है, अगर आप लोग थार डेजर्ट को देखते हो तो थार डेजर्ट का कुछ भाग आपको कहां देखने को मिल जाएगा, पाकिस्तान में देखने को मिल जाएगा, और पाकिस्तान में जब थार डेजर्ट का पार्ट होता है उसको बोलते हैं कोलिस्तान डेजर्ट, याद देखिएगा। थार डेजर्ट का जो भाग आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगा उसको बोलते हैं हम लोग, याद देखिएगा, कोलिस्तान डेजर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 32, विच अमंग द फॉलोइंग पीक इज नॉट लोकेटेड नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय में कौन सा नहीं है, अन्नपूर्णा है नेपाल में, ओके, माउंट एवरेस्ट है, सागरमाथा बोलते हैं, लोत्से है नेपाल में, आंसर होगा आपका कौन सा, कामेत, ठीक है, याद देखिएगा, कामेत जो है, क्लियर, कामेत इज नॉट इन नेपाल हिमालय, इट इज इन इंडिया, ओके, ये इंडिया में देखने को मिलेगा आपको कामेत, क्लियर हो गया आपका, बाकी अन्नपूर्णा, लोत्से, माउंट एवरेस्ट, दीज आर ऑल इन द नेपाल।
द एरिया ऑफ इंडिया इज 10 टाइम लार्जर देन द एरिया ऑफ पाकिस्तान, आंसर विल बी 4 टाइम्स। याद रखिएगा, पाकिस्तान से हम लोग कितने गुना बड़ा है, 4 गुना बड़े हैं। जापान से अगर कंपेयर करते हो तो याद रखिएगा, जापान से हम लोग 8 गुना बड़े हैं और यूके से हम लोग याद रखिएगा 12 गुना बड़े हैं। ये रिमेंबर क्वेश्चन बहुत बार पूछा यहां से, ठीक है, याद रखिएगा, पाकिस्तान से हम लोग 4 गुना बड़े हैं, जापान से हम लोग 8 गुना बड़े हैं और यूके से हम लोग कितना गुना बड़े हैं, 12 गुना बड़े हैं। अगर टोटल एरिया देखा जाए इंडिया, तो इंडिया वर्ल्ड में कितना नंबर पे आता है, 2.42% के साथ इंडिया 7 नंबर पे आता है एरिया में। एरिया जो पहला कंट्री है वो है आपका, याद रखिएगा, रशिया, दूसरा हो गया कनाडा, तीसरा हो गया आपका यूएसए, चौथा नंबर हो गया आपका चाइना, पांच नंबर हो गया आपका ब्राजील, छह नंबर हो गया ऑस्ट्रेलिया, सात नंबर हो गया इंडिया, आठ नंबर, नौ नंबर, दस नंबर हो गया, आठ नंबर हो गया कौन सा आपका इंडिया के बाद हो गया कौन सा अर्जेंटीना, नौ नंबर हो गया आपका कजाकिस्तान और दस नंबर हो गया आपका अल्जीरिया। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, 33 खत्म हो गया, 34 विच स्टेट इज लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया। एरिया वाइज अगर पूछा जाए सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, राजस्थान। एरिया वाइज सबसे छोटा स्टेट कौन सा है, तो एरिया वाइज सबसे छोटा स्टेट हो गया आपका गोवा। पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा स्टेट हो गया आपका उत्तर प्रदेश, और पॉपुलेशन वाइज सबसे छोटा स्टेट हो गया कौन सा, तो वो हो गया आपका सिक्किम। नेक्स्ट, थार को पाकिस्तान में बोलते हैं, यहां देखिएगा, कोलिस्तान डेजर्ट, कोलिस्तान, COLISTAN, कोलिस्तान डेजर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग हायर ग्राउंड इज नॉट द पार्ट ऑफ तेलंगाना प्लेट्यू, तेलंगाना प्लेट्यू का कौन सा पार्ट नहीं, तो तेलंगाना प्लेट्यू का पार्ट नहीं, अरावली, अरावली तो चला गया राजस्थान में। देखिए, डेकान प्लेट्यू अगर देखते हो तो इस प्रकार से आपको डेकान प्लेट्यू देखने को मिलेगा, याद देखिए, ट्रायंगल शेप में आपको डेकान प्लेट्यू देखने को मिल जाएगा। इस डेकान प्लेट्यू को आप लोग इस प्रकार से तीन भागों में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। इसके इस तरफ देखने को मिलता है क्या, इस तरफ हो गया आपका ईस्टर्न घाट, ये हो गया टोटल कौन सा, ये हो गया आपका डेकान प्लेट्यू, इसको आप लोग बोलोगे डेकान प्लेट्यू, ये आपका डेकान प्लेट्यू, इसके साइड में है ईस्टर्न घाट, नीचे की तरफ है आपका नीलगिरी, नीलगिरी इस तरफ है आपका, याद देखिएगा, वेस्टर्न घाट, और ऊपर की तरफ है आपका सतपुरा। ऊपर की तरफ कौन है, तो ऊपर की तरफ है आपका सतपुरा रेंज, ठीक है, ऊपर की तरफ आपको देखने को मिल जाएगा सतपुरा रेंज। डेकान प्लेट्यू को तीन भागों में डिवाइड कर सकते हो, इधर वाले भाग को बोलोगे तेलंगाना प्लेट्यू, ठीक है, तेलंगाना प्लेट्यू, ये वाला गया आपका महाराष्ट्र प्लेट्यू, और नीचे वाले भाग को बोलते हैं कर्नाटका प्लेट्यू। तो ऑब्वियसली यहां पे आपको कहीं चारों तरफ आपको देखने को नहीं मिल रहा है कौन, अरावली। बाकी देखिए, वेस्टर्न घाट देखने को मिल रहा है, ईस्टर्न घाट देखने को मिल रहा है, और सतपुरा देखने को मिल रहा है, बट अरावली नहीं है, अरावली ऊपर की तरफ राजस्थान की तरफ चला गया। याद रखिएगा, चारों तरफ क्या क्या देखने को मिलेगा, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, सतपुरा और नीलगिरी माउंटेन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, 36 नंबर, ए पास इन हिमालय, ए पास इन हिमाचल प्रदेश, इसमें से कौन सा पास आपका हिमाचल प्रदेश में है। जोजिला पास अगर देखा जाए तो जोजिला पास कहां पे, जोजिला पास हो गया आपका लद्दाख में, जिलिपला पास अरुणाचल प्रदेश, नथुला पास सिक्किम, सिपकिला पास, ऑब्वियसली सिपकिला पास इज इन हिमाचल प्रदेश। क्लियर, जोजिला हो गया आपका लद्दाख, जिलिपला हो गया अरुणाचल प्रदेश, नथुला हो गया सिक्किम, देन रिमेंबर रिमेनिंग एक कौन सा आपका सिपकिला, तो सिपकिला होगा कौन सा आपका हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, 37 मैच करना है आपको, देखिए मैच करते हैं आपका, मेरे को एक पता है, देखो किसी ऐसा क्वेश्चन में क्या करना है आपको, किसी एक को दो को मैच करने का कोशिश कीजिए। मेरे को पता है चिलिका लेक का कहा है, चिलिका लेक ओडिशा में मैच कर दिया, ठीक है, अब इसमें से मेरे को कुछ पता नहीं चल रहा है, सपोज फिर देखना है दूसरा को मैच करने कैसी चाहिए। बी का वन किसमें, देखिए बी का वन किसमें है, तो ए और सी में, मतलब बी और डी ऑलरेडी कट चुका है ऑप्शन से, ठीक है, अब मेरे को ए और सी में देखना है। अब मेरे को पता है उलार लेक, उलार लेक कहां पे है, कश्मीर में है, यानी कि सी का होगा चार, सी का चार किसमें है, देखिए तो सी का चार इसमें, तो आंसर होगा कौन सा मेरा, ए। याद देखिएगा, सांबर लेक राजस्थान, पुलिकट लेक तमिलनाडु। ऐसा क्वेश्चन में किसी एक दो क्वेश्चन को मैच करने का कोशिश कीजिए, ऑब्वियसली आपका आंसर निकल जाएगा। क्लियर हो गया आपका, चलिए बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच हिमालयन पीक इज ऑल्सो कॉल्ड सागर माथा, सागर माथा किसको बोलते हैं, तो सागर माथा बोलते हैं माउंट एवरेस्ट को। देखिए, माउंट एवरेस्ट जो है उसको आप लोग दो भागों में डिवाइड कर सकते हो, इसका जो भाग नेपाल में है और इसका कुछ भाग कहां पे आपका चाइना में है। याद देखिएगा, माउंट एवरेस्ट का जो साउथर्न पार्ट होता है वो आपका नेपाल में है, और माउंट एवरेस्ट का जो नॉर्थ पार्ट है वो कहां पे है आपका चाइना में, चाइना और तिब्बत आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट को बोला जाता है, याद देखिएगा, सागर माथा बोलते हैं हम लोग, सागर माथा, और चाइना में माउंट एवरेस्ट को बोला जाता है आपका, याद देखिएगा, कोमला गामा, कोमला गामा द करेक्ट आंसर विल बी द माउंट एवरेस्ट। क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है तो एक बार थम हो जाए सबके लिए, चलिए समझ में आ रहा है एक बार अच्छे से लाइक ठोक दो। नेक्स्ट, 39
द रेंज दैट एक्ट्स एज द वाटरशेड बिटवीन द इंडिया एंड तुर्कमेनिस्तान, इंडिया तुर्कमेनिस्तान के वाटरशेड कौन है, तो ऑब्वियसली याद रखिएगा द काराकोरम रेंज, ठीक है, द काराकोरम रेंज। आगे बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, 40 नंबर पे आ जाइए। द नॉर्थन पार्ट ऑफ द वेस्ट कोस्ट इन इंडिया इज नोन है, देखिए नॉर्थन पार्ट ये हो गया आपका वेस्ट कोस्ट, अगर देखा जाए ऊपर वाले भाग को बोलते हैं हम लोग कोंकण कोस्ट, ठीक है कोंकण कोस्ट, ये आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र और गोवा में देखने को मिलेगा। उसके नीचे वाला भाग होता है कर्नाक कोस्ट, ठीक है कर्नाक कोस्ट, ये आपको देखने को मिलेगा कर्नाटका में। और साउथर्न पार्ट सबसे नीचे आ जाएगा कौन सा, तो वो होगा आपका याद देखिएगा मालाबार कोस्ट, ठीक है मालाबार कोस्ट, मालाबार कोस्ट आपको देखने को मिलेगा केरला में, ठीक है मालाबार कोस्ट केरला। 41 द आंसर होगा आपका याद देखिएगा कौन सा, कोंकण कोस्ट। 41 विच द फॉलोइंग प्रोसेस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोड्यूसिंग ऑफ सैंड ड्यून्स इन द वेस्टर्न राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान में सैंड ड्यून्स करने का सबसे बड़ा कारण क्या है आपका वेस्टर्न राजस्थान, तो आंसर होगा 41 का क्या, द करेक्ट आंसर विल बी द इरोजन बाय वाटर, पानियों के नदियों के द्वारा जो पानी लेके आपका जो मिट्टी लेके जाया जा रहा है वो आपका एक इंपॉर्टेंट कारण हो सकता है क्या आपका इरोजन का, आपका कौन सा विंड सैंड ड्यून्स फॉर्मेशन होने का, कहां पे राजस्थान में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपका 42 नंबर पे आते हैं, चलिए बहुत बढ़िया। 42 नंबर क्या दिया देखिए, बडलैंड टोपोग्राफी इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, बडलैंड टोपोग्राफी किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो याद देखिएगा बडलैंड टोपोग्राफी है आपका चंबल वैली, ठीक है चंबल वैली जो है आपका जो कि मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश और राजस्थान होकर फ्लो करती है, क्लियर, उसका सबसे बड़ा जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो होता है बडलैंड टोपोग्राफी। नेक्स्ट इन ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक द प्राइस आर डिटरमाइंड बाय, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जहां पे कैपिटल बहुत ज्यादा है वहां पे सबसे क्या है आपका डिमांड क्या है, तो वो आपका प्राइस किस पर डिपेंड करेगा, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर, जितना ज्यादा डिमांड होगा, ओके डिमांड जितना ज्यादा होगा सप्लाई उतना ज्यादा होगा, ठीक है सप्लाई अगर ज्यादा कर रहे हो तो डिमांड क्या होगा ठीक ठाक है, आपका सप्लाई कम हो गया डिमांड क्या लगेगा बढ़ने लगेगा, ठीक है दैट इज। नेक्स्ट 44 नंबर क्या है, द टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द मैक्रो इकोनॉमिक्स वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय, ये जो टर्म है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स ये पहली बार किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपका रेंजर फ्रिज, ओके रेंजर फ्रिज के द्वारा किया गया था द टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। प्राइस मैकेनिज्म इज ए फीचर ऑफ, प्राइस मैकेनिज्म किसका फीचर है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बार्टर इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी, तो ऑब्वियसली इससे पहले हम लोग क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे कौन सा, दैट इज द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ओके नेक्स्ट 46 हु इज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टसी बोर्ड ऑफ इंडिया, आंसर विल बी एम एस साहू, ओडिशा से बने हैं आपके फर्स्ट चेयरमैन इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टसी बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर, On which commission recommendation Reserve Bank of India was established? Obviously Hilton Young Commission, याद देखिएगा Hilton Young Commission के रिपोर्ट के हिसाब से क्या किया गया था, RBI का फॉर्मेशन किया गया था। 48 The difference between the revenue expenditure and revenue received is called, okay, revenue expenditure और revenue received के बीच में जो आपका जो receipt होता है difference को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग याद देखिएगा revenue deficit, okay, क्या बोलते हैं हम लोग revenue deficit, क्लियर हो गया आपका, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 खत्म होता है आपका, 49 में आइए, जीएसटी वाज इंप्लीमेंटेड इन इंडिया फ्रॉम, जीएसटी को पहली बार कब इंप्लीमेंट, मतलब जीएसटी को इंप्लीमेंट कब से किया गया था, तो याद देखिएगा जीएसटी को इंप्लीमेंट किया गया था आपका कब से, तो ये किया गया था आप लोग बोल सकते हैं 1 जुलाई 2017, ठीक है 1 जुलाई 2017 से क्या किया गया था, याद देखिएगा जीएसटी को हमारे इंडिया में इंप्लीमेंट किया गया था। 50 नंबर पे आते हैं, देयर इज ए चाइनीज कंपनी डूइंग बिजनेस इन इंडिया, द प्रॉफिट मेड बाय दैट कंपनी विल बी अ पार्ट ऑफ इंडिया जीडीपी और चाइना ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और इंडिया जीडीपी, एक चाइनीज कंपनी आके इंडिया में बिजनेस कर रही है तो उसके द्वारा प्रॉफिट जो मेड किया जाएगा वो क्या होगा, इंडिया का जीडीपी का पार्ट होगा इंडियन जीएनपी, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, ओनली वन टू ओनली बोथ वन एंड टू डी नाइदर वन एंड टू, आंसर होगा आपका बोथ वन एंड टू, इंडिया का जीडीपी में भी जाएगा और चाइना का क्या आएगा जीएनपी में यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में भी जाएगा। चलिए 61 सौभाग्य स्कीम विच वॉज रिसेंटली कंप्लीटेड 4 years इज बींग इंप्लीमेंटेड बाय यूथ यूनियन मिनिस्ट्री, ओके तो आंसर भी आपको सबको पता होगा, अगर आपको सौभाग्य का फुल फॉर्म पता है तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर, सौभाग्य का स्कीम है, सौभाग्य स्कीम का फुल फॉर्म क्या है, सहज हर घर बिजली योजना, ठीक है सहज हर घर बिजली योजना, सौभाग्य स्कीम का फुल फॉर्म यह सहज हर घर बिजली योजना, तो किसके द्वारा है ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ
पावर 52. इन्फ्लेशन कैन बी चेक्ड बाय, इन्फ्लेशन किसके द्वारा चेक करेगा, डिक्रीजिंग इन मनी सप्लाई, डिक्रीजिंग इन मनी सप्लाई में डिपेंड करता है, कौन सा आपका इन्फ्लेशन डिपेंड करता है. चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर क्या है, हु मेंटेन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन इंडिया, ओनली वन, दैट इज द आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. व्हेन टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स द सिचुएशन इज, बहुत सारा पैसा क्या करता है, कुछ गुड्स के लिए लग जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, दैट सिचुएशन इज क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन, जो कि अभी चल रहा है कहां पे, श्रीलंका में, श्रीलंका का जो सिचुएशन अभी है आपका. चलिए आगे बढ़ते हैं 55. इन्फ्लेशन एग्जिस्ट व्हेन, इन्फ्लेशन कब एग्जिस्ट होता है आपका, व्हेन देयर इज राइज इन द परचेजिंग वैल्यू ऑफ मनी, किसी चीज का राइट, सपोज एक पावरोटी है, पावरोटी का वैल्यू आपका नॉर्मली 20 रुपया है, लेकिन आप पावरोटी को 80 रुपया, 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया हो गया एक पावरोटी, उसको बोलते हैं हम लोग आपका इन्फ्लेशन. द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द स्टडी ऑफ सेल, सबको पता होगा स्टडी ऑफ सेल को क्या बोलते हैं, तो स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड एज द साइटोलॉजी. ठीक है, याद रखिएगा, स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड एज साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड एज द हिस्टोलॉजी. सब साइंस क्वेश्चन है इसके बाद. ओके 57. Which of the following cytoplasmic organelles are the treated as the prokaryotic cell within the eukaryotic cell? कौन सा cytoplasmic organelle treat करता है prokaryotic cell within the eukaryotic cell के अंदर? Answer will be the mitochondria. Okay, mitochondria. Which of the following is called a powerhouse? Powerhouse of the cell कौन सा? सबको पता है mitochondria. ATP में formation करता है. Which of the following bear the smallest living cell? Smallest living cell हो गया क्या? Mycoplasm, PPLO. प्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल. क्लियर हो गया, सबसे बड़ा सेल कौन सा है? तो सबसे बड़ा सेल हो गया आपका ऑस्ट्रिक एग. ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा सेल कौन सा है? फीमेल ओवम. सबसे लंबा सेल कौन सा है? ह्यूमन आपका जो नर्वस है, नर्व. क्लियर, सबसे छोटा सेल कौन सा है ह्यूमन बॉडी में? तो हो गया आपका आरबीसी. 60 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? द केमिकल यूज्ड फॉर डिस्ट्रॉइंग फंगी इन वाटर टैंक. ठीक है, उसका क्या होता है, वाटर टैंक के अंदर जो फंगी हो जाते हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? तो वी यूज द कॉपर सल्फेट, CaSO4 का यूज, CuSO4 का यूज किया जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस फास्टर, इसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा फास्टर करता है, रिप्रोड्यूस करता है? एल्गी नहीं होगा, एल्गी तो नहीं होगा कभी, इसलिए प्रोटोजोआ. आंसर विल बी द बैक्टीरिया. आंसर क्या होगा आपका? बैक्टीरिया. याद रखिएगा, बैक्टीरिया क्या करता है, बहुत जल्दी क्या करता है आपका, रिप्रोड्यूस करता है. आपका जो भी आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो. नेक्स्ट 62. विच वायरस फ्रॉम द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज कॉन्टिन्यूस फ्रॉम ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स से कॉन्टिन्यूस है आपका? आंसर विल बी आपका, याद रखिएगा, H2N3 वायरस. क्लियर, H2N3 वायरस. 63. Which of the following microorganism is used in milk curding? Milk curding में कौन सा आपका यूज होता है? सबको पता है L से स्टार्ट होगा, लैक्टोबेसिलस. लैक्टोबेसिलस L से होगा, मिल्क से रिलेटेड होता है, याद देखिएगा, लैक्टोबेसिलस. बैक्टीरियोफेज वॉज डिस्कवर्ड बाय, बैक्टीरियोफेज किसने डिस्कवर किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. तो ये डिस्कवर किया था, याद देखिएगा, बुरिल एंड स्मिथ ने. क्लियर, बुरिल एंड स्मिथ ने डिस्कवर किया था क्या आपका? तो उनके द्वारा डिस्कवर किया गया था, याद देखिएगा, बैक्टीरियोफेज को डिस्कवर किया गया था. 65. An organism which can monitor air pollution. कौन सा ऑर्गेनिज्म आपका एयर पोल्यूशन को मॉनिटर कर सकता है? तो आंसर विल बी, याद रखिएगा, लाइचेन. लाइचेन मॉनिटर कर सकता है. ईस्ट क्या है? ईस्ट एक बैक्टीरिया है, फंगाई है, आल्जी है, ब्रायोफाइट है. ईस्ट क्या है बताइए? तो ईस्ट, याद रखिएगा, एक फंगी है. व्हाट डिटरमाइंस द कलर ऑफ स्टार, स्टार का कलर क्या है? तो स्टार का कलर होता है टेम्परेचर. तीन कलर में होते हैं, याद रखिएगा, ब्लू कलर, येलो कलर और रेड कलर. ब्लू कलर का मतलब होता है मैक्सिमम टेम्परेचर, येलो का मीडियम और रेड का होता है, याद देखिएगा, मिनिमम टेम्परेचर. नेक्स्ट, ओशियन करेंट इज एन एग्जांपल ऑफ कन्वेक्शन. ओके, हॉट एयर का ऊपर उठना, गर्म एयर का नीचे आना को बोला जाता है, सॉरी, हॉट एयर जो होगा वो ऊपर उठेगा, ठंडा एयर नीचे आएगा, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? कन्वेक्शन. कंडक्शन का मतलब होता है किसी भी मिनरल से इलेक्ट्रिसिटी को पास करना, कंडक्शन. ओके, द वार्ड इंसुलेशन मींस, द वार्ड इंसुलेशन इनकमिंग सोलर रेडिएशन. याद देखिएगा, सन से आने वाली जो एनर्जी है किसी भी आपका सरफेस के जो इतना एब्जॉर्ब होती है उसको बोलते हैं हम लोग आपका इंसुलेशन. ठीक है, उसको बोलते हैं इंसुलेशन, और जितना रिफ्लेक्ट होती है उसको बोला जाता है आपका, याद देखिएगा, एल्बिडो. एब्जॉर्ब इंसुलेशन, रिफ्लेक्ट, एल्बिडो. 70. मड हाउस आर कूलर इन समर एंड वार्मर इन विंटर एज कंपेयर टू द ब्रिक्स हाउस बिकॉज मड इज ए बैड कंडक्टर. ठीक है, मड क्या होता है, याद देखिएगा, ब्रेड कंडक्टर है सबका. नेक्स्ट 71. व्हाट हैपेंस
टू ए लिक्विड व्हेन द वेपर प्रेशर इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका इक्वल हो जाएगा तब क्या होगा, तब यह होगा आपका लिक्विड बॉयल्स। लिक्विड क्या करना पड़ेगा आपका, बॉयल होना पड़ेगा। प्रेशर कुकर इसी प्रकार से इसी प्रिंसिपल में काम करता है आपका, क्लियर। नेम द हाई फ्रिक्वेंसी रेडिएशन प्रोड्यूस इन द न्यूक्लियर रिएक्शन एंड ऑल्सो एमिट बाय रेडियो एक्टिव न्यूक्ली दैट इज यूज्ड इन मेडिसिन टू डिस्ट्रॉय द कैंसर सेल। कैंसर सेल में कौन सा हम लोग फ्रिक्वेंसी का यूज करते हैं तो डिस्ट्रॉय द कैंसर सेल, द कैंसर विल बी आपका गामा सेल। गामा सेल का यूज किया जाता है, गामा रेज जो है गामा रेज का यूज किया जाता है, याद रखिएगा गामा रेज। नेक्स्ट 73, एवरी हॉट ऑब्जेक्ट समय, जितना भी गर्म है वो क्या करता है आपका, जितना भी गर्म ऑब्जेक्ट है वो कौन सा लाइट एमिट करता है तो दे एमिट द इंफ्रारेड रेज, याद रखिएगा इंफ्रारेड एमिट करते हैं। द डैमेज ऑफ द ह्यूमन बॉडी टू रेडिएशन इज मेजर्ड इन क्यूरी, ओके रेडिएशन का यूनिट क्या है तो आंसर होगा आपका याद रखिएगा क्यूरी। नेक्स्ट 74, इंडिकेट द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन ऑर्डर टू द इंक्रीजिंग वेवलेंथ, एक्सरे, इंफ्रारेड रेज, विजिबल एंड माइक्रोवेव्स। 76, द रेडिएशन इनिशियली प्रोड्यूस इन द फ्लोरेसेंट ट्यूब इज, ओके फ्लोरेसेंट ट्यूब में जो रेडिएशन मेजर किया जाता है वो क्या है, इंफ्रारेड रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, माइक्रोवेव्स एंड एक्स रेज। द करेक्ट आंसर भी याद रखिएगा अल्ट्रावायलेट रेज, द करेक्ट आंसर क्या होगा आपका अल्ट्रावायलेट रेज। गामा रेज कैन कॉज, गामा रेज क्या कर सकता है आपका, क्वेश्चन पूछा है गामा रेज क्या कर सकता है तो जीन म्यूटेशन, ठीक है आपका जो जीन म्यूटेशन है वो कर सकता है आपका किसके द्वारा, गामा रेज के द्वारा। विच द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉन पोलर, नॉन पोलर कौन सा है इसमें, नॉन पोलर आपका CCl4, कैल्शियम टेट्राक्लोराइड, ओके पारस ये सॉरी कार्बन टेट्राक्लोराइड, कैल्शियम टेट्राक्लोराइड रहा हूं, कार्बन टेट्राक्लोराइड इसका फुल फॉर्म क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, सी फॉर कार्बन, Cl4 फॉर टेट्राक्लोराइड। नेक्स्ट 79, एन एग्जांपल ऑफ एन कोवलेंट मॉलिक्यूल इज, जिसमें से कौन सा आपका कोवलेंट मॉलिक्यूल का एग्जांपल है, सेम द कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4। नेक्स्ट लास्ट टू क्वेश्चन ऑफ माइंड सेक्शन आपका, उसके बाद आपका करंट अफेयर्स सर आएंगे, बाकी आपका क्लास करंट अफेयर का कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ कोवलेंट बॉन्ड, इसमें से कौन सा कोवलेंट बॉन्ड होता है, कैल्शियम क्लोराइड हो गया आपका, ओके कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, करेक्ट आंसर भी सेम कार्बन टेट्राक्लोराइड। एंड द लास्ट क्वेश्चन, दैश करेक्टर ऑफ ए बॉन्ड बिटवीन द एटम्स इज ग्रेटर इफ द डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज लेस, आंसर विल बी याद रखिएगा कोवलेंट बॉन्ड, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका कोवलेंट बॉन्ड, क्लियर। तो ये सारे के सारे मेरे क्वेश्चन थे, बाकी आपके जो सर आएंगे, बाकी सर आएंगे आपके 8 सेक्शन जो भी आप, बाकी जो क्वेश्चन बच गया आपका 82 से लेकर 900 तक का करंट अफेयर साइंस के क्वेश्चन है वो आपके सर करवा के दे देंगे, क्लियर। बट इन योर आंसर की पेपर में रॉन्ग आंसर आर गिवन, यस देयर आर सम आंसर ड्यू टू सम टाइपिंग मिस्टेक्स, ओके ड्यू टू सम टाइपिंग मिस्टेक्स सम एरर्स आर देयर, ओके मैं आपको जो भी आंसर है यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको सारा बता दिया हूँ, ओके थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। एक इन्फॉर्मेशन नोटिस था, ओके न्यू फंडामेंटल बैच आपका, आपका जो ASO इंप्रूवमेंट बैच स्टार्ट हो रहा है आपका ओडिया इंग्लिश GS मैथ और रीजनिंग का, तो कोई भी अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं ज्वाइन कीजिए, एक महीना है अच्छे से इंप्रूवमेंट कीजिए उसके लिए। तो एक कॉल फ्री नंबर है आप उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, द नंबर इज, नंबर आप लोग लिख लीजिए, नंबर हो गया आपका 8093556677, क्लियर। ये जो नंबर है इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके आप इंप्रूवमेंट बेच ले सकते हैं किसी भी ओडिया इंग्लिश GS मैथ और रीजनिंग का, ठीक है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।
जो भी है कोई इशू नहीं। सो चलिए करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। फ्री टेस्ट डिस्कशन में सबसे इंपॉर्टेंट देखिए क्वेश्चन है उमलिंगा पास। ऐसे टाइप के पासेस क्वेश्चन में आ सकते हैं, चाहे वो खारडुंगला हो, नाथुला हो, जोजिला हो। सो इस टाइप के पासेस बहुत से क्वेश्चन में आने का चांसेस हैं। ये कहाँ के हैं, क्वेश्चन देखिए क्या है, उमलिंगा पास विच वॉज रिसेंटली न्यूज, जो कि BRO ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इस पे काम किया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि जो भी बॉर्डर से रिलेटेड आसपास के रोड्स हैं उन्हें डेवलप करें, ठीक है। तो ये पास लीज मैंने उसी लिए न्यूज़ में था जो कि पर्टिकुलर कहाँ से है, लद्दाख से है। सो लद्दाख इसका आंसर होगा। उमलिंगा पास विच वॉज रिसेंटली न्यूज़, जो कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे रोड का मरम्मत कर रहा है, काम कर रहा है, जो कि हाईएस्ट मैंने वर्ल्ड में कह सकते हैं मोटरेबल पाथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि उमलिंगा पास। तो दो लद्दाख से कर लेते हैं, उमलिंगा पास और जोजिला। जम्मू कश्मीर में दो पास, बनिहाल पास एंड पीर पंजाल। हिमाचल प्रदेश में भी दो पास अगर इंपॉर्टेंट अगर आपको देखना हो तो हमेशा से देखिए एक रहता है सिपकिला। सिपकिला, सिपकिला में कौन सी रिवर निकलती है, जैसे कि इंडिया में ये सिपकिला होके सतलज रिवर इंटर करती है, वो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पास, ठीक है। और एक पास जो है कि रोहतांग, जो कि हिमाचल प्रदेश में ही है रोहतांग, इसका भी एक इंपॉर्टेंस है कि हमेशा देखिए न्यूज़ में रहने का चांस है। और ऐसे भी स्टैटिक पार्ट में भी देखेंगे तो रोहतांग पास से दो रिवर निकलती हैं अलग अलग, एक है ब्यास BEAS ब्यास और एक है रावी, ठीक है। तो रावी और ब्यास, तो ये हिमाचल में दो पास देख लिए। मणिपुर में वैसे कोई पासेस नहीं है, ठीक है, माने वो माउंटेन वाला ही रीजन है। मणिपुर में बस मणिपुर हिल्स है, वहाँ पे मिजो हिल्स है मिजोरम में। सो 84 का लद्दाख आंसर क्लियर है आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 85। रविंद्रनाथ टैगोर रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क। रविंद्रनाथ टैगोर एशिया में फर्स्ट रिसिपेंट है नोबेल के, राइट। इंडिया में नोबेल लॉरियट्स की गिनती अगर करें तो बंगाल से ज़्यादा लोग हैं। सो बंगाल में सबसे पहले, इवन एशिया में सबसे पहले नोबेल लॉरियट के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर का नाम हम सब जानते हैं। सो इनका जो बुक था गीतांजलि, इस बुक के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है। अगर स्पेसिफिक आंसर अगर आपको दें तो गीतांजलि का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन था उसका नाम था सॉन्ग्स ऑफरिंग, सॉन्ग्स ऑफरिंग। इस बुक के लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। हालांकि इनके बुक की बात करें, रविंद्रनाथ टैगोर की बहुत सारे बुक्स हैं, इवन ये जो गोरा है ये इनका बुक लिखा हुआ है गोरा, ठीक है। इनका बुक है चोखेर बाली, चोखेर बाली, जिसपे एक मूवी भी आई हुई है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है जो कि वन डे एग्जाम में था कि चोखेर बाली रिटन बाई रविंद्रनाथ टैगोर, एक्ट्रेस का नाम क्या है, ऐश्वर्या राय उसमें एक्ट्रेस थी, चोखेर बाली। ये भी क्वेश्चन बहुत कॉमन है। और भी अगर देखा जाए जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर के, अच्छा कुछ कुछ कमेंट्स भी देख लेते हैं। 1913 बिल्कुल सही आंसर सुष्मिता बेहरा ने दिया है, बहुत अच्छा। 1913 साल में रविंद्रनाथ को ये अवार्ड मिले थे, राइट। चलिए, और जैसे कि इनके और भी बुक्स हैं, हाँ 1913 सियोर है, क्योंकि 1919 में एक इवेंट हुआ था जिसमें जैसे कि बहुत लोग अवार्ड को वापस कर दिए थे, ठीक है, जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद, ठीक है। यस अभिलाष ओके हैं बिल्कुल। सो देखिए और भी इनके बुक थे, जैसे कि मान लीजिए काबुली वाला, ठीक है, इन्हें रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ। आप अगर सॉन्ग्स की बात करें तो हम लोग जानते हैं हमारा नेशनल एंथम, ठीक है, नेशनल सॉन्ग बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का है, नेशनल एंथम हमारा रविंद्रनाथ टैगोर का है। इवन बांग्लादेश का नेशनल एंथम रविंद्रनाथ टैगोर का है, इवन श्रीलंका का भी जो स्क्रिप्ट है नेशनल एंथम का इन्हीं का दिया हुआ है। तो तीन तीन देशों का नेशनल एंथम लिखने वाले ये रविंद्रनाथ टैगोर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। मेघनाथ साहा अवार्ड इज गिवन फॉर द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। ऑप्शंस हैं साइंस, पब्लिक सर्विस, लिटरेचर, सोशल वर्क।
यस गीतांजलि विश्वजीत पात्रा नाइटहुड रिटर्न करे, हाँ बिल्कुल नाइटहुड उपाधि को त्याग किए थे, वेरी गुड। हाँ इस श्रीलंका एंड बांग्लादेश बिल्कुल सही, राइट। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग और जुड़े हैं, वेरी गुड। अच्छा मेघनाथ साहा, पहली बात तो करते हैं मेघनाथ साहा कौन थे। मेघनाथ साहा एक हमारे साइंटिस्ट रहे हुए हैं, और कुछ कमेंट्स हम लोग देख रहे हैं। देखिए मेघनाथ साहा ये हमारे एक साइंटिस्ट रहे, पहली बात तो साइंस फील्ड से खुद हैं, तो एक कॉमन बात है कि साइंस से ही दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल बात है कि मेघनाथ साहा जब हमारे एक फेमस साइंटिस्ट हैं उन्हीं के नाम से ये अवार्ड है, तो ये साइंस के फील्ड से उन ये अवार्ड दिया जाता है। तो इनका एक्चुअली देखा जाएगा थर्मल आयनाइजेशन, थर्मल आयनाइजेशन इक्वेशन, ये इनका कंट्रीब्यूशन है अगर देखा जाए। मेघनाथ साहा एक फेमस बंगाली पर्सनल हैं जो कि साइंस के फील्ड में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किए हैं, इसीलिए अवार्ड एनुअली ऐसा दिया जाता है, मेघनाथ साहा अवार्ड, जो कि आउटस्टैंडिंग साइंस में कंट्रीब्यूट करते हैं। साइंस में और भी कुछ अवार्ड दिए जाते हैं, इसके साथ हम लोग देखेंगे कलिंगा प्राइज भी दिया जाता है साइंस में। साइंस का हाईएस्ट ऑनर अगर भारत में कहा जाए तो शांति स्वरूप भटनागर प्राइज, ये भी आपके एग्जाम में आता है, इसको एकदम अच्छे से समझ के रखिए, शांति स्वरूप भटनागर प्राइज, इट इज द हाईएस्ट ऑनर इन इंडिया, शांति स्वरूप भटनागर, शांति स्वरूप भटनागर। सो आंसर 86 का क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं 87 में, द ओनली इंडियन वुमन, ओके वुमन है हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ WHO, तो इसमें एक लेडी का नाम आता है राजकुमारी अमृत कौर। जब भारत आजाद हो रहा है 1947 में, ठीक है, हालांकि WHO का जन्म ही नहीं हुआ था तब, WHO का कब जन्म हुआ है आप बताएंगे। थर्मलाइजेशन इक्वेशन, नीलेश बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। और नेक्स्ट आप लोग बताइए कमेंट में एक आंसर ये बताइए कि WHO का हेडक्वार्टर तो वैसे जेनेवा है, इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर WHO का कब है, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग ये देख लेंगे कि राजकुमारी अमृत कौर जो है आज़ादी के समय में यही फर्स्ट ऐसी लेडी थी जो कि हेल्थ मिनिस्टर बनी थी, क्या हेल्थ मिनिस्टर, ठीक है, ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस। तो इन्हीं को पहला वुमेन रिप्रेजेंटेटिव हम लोग WHO के लिए इंडिया से मानते हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए कमेंट आ गया है 45 45, नहीं, WHO अप्रैल 7 तारीख 1948 में इस्टेब्लिश हुआ है, 48, ठीक है, 1948 WHO, आप देख लेंगे सब लोग। यस आदित्य का बिल्कुल सही जवाब है 1948, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो राजकुमारी अमृत कौर इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट इंडियन टू मेक अ स्पीच इन हिंदी बिफोर द UN जनरल असेंबली। अभी रिसेंटली न्यूज था कि यूनाइटेड नेशंस जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें 3 लैंग्वेजेस को ऐड किया गया है, हिंदी, ठीक है, उर्दू एंड बंगाली, ऐड किया गया है का मतलब है इसको प्रमोट किया गया है, सो इट इज अ बिग न्यूज, राइट। सो साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कौन से व्यक्ति थे वैसे जो हिंदी लैंग्वेज को बोलने की क्षमता रखते थे, अटल बिहारी वाजपेयी और कोई नहीं वो होंगे, ठीक है। सो अटल बिहारी वाजपेयी बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, अटल जी, अटल बिहारी वाजपेयी। सो अटल बिहारी वाजपेयी अगर देखेंगे 1977 में ये जनरल असेंबली में ये स्पीच दिए थे अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज अ नॉट अ मेंबर ऑफ द क्लब ऑफ रिच। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लब ऑफ रिच हम किसे जानते हैं, दैट इज G7, G7 ग्रुप को हम लोग क्लब ऑफ रिच मानते हैं, ठीक है। एक्चुअली ये G8 था, G8 में से रशिया को सस्पेंड किया गया और
ये अभी G7 है, तो क्लब ऑफ रिच या G7 के ग्रुप में कंट्रीज सात होंगे, जापान है, सॉरी जापान बोले, जर्मनी, इसका एक शॉर्ट फॉर्म आप देख सकते हैं गुजू FCI, ऐसे करके मैं याद आपको करवा सकता हूँ। सो जी से है जर्मनी, USA, जापान, UK, फ्रांस, कनाडा एंड इटली, ठीक है। तो इस ग्रुप जो है ये क्लब ऑफ रिच में है, तो USA है इसमें, फ्रांस है इसमें, UK है, इंडिया नहीं है। G7 या G8 ग्रुप में इंडिया नहीं है। क्लब ऑफ रिच जनरली G8 को कहा जाता था, ऑप्शन रशिया भी दे सकता था, वो भी नहीं होता, ठीक है। सो आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, इंडिया, 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 बिल्कुल सही जवाब। काफी ज्यादा लोग जुड़े हैं, आप लोग और भी आंसर देते रहिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू विच कंट्री डिड द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस बिलोंग टू। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल, इनका नाम मुझे लाई से याद रहता है, ये झूठ बोले थे शायद, ठीक है, ये नॉर्वे से हैं एक्चुअली। इनका अगर देखिए कमेंट में आप मुझे बताइए हु वॉज द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी, ठीक है। इनका नाम एक्चुअली TH Lee था, ठीक है, और ये नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। अभी के जनरल सेक्रेटरी यूनाइटेड नेशंस की बात करें, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेंबर कितने हैं, 193 मेंबर्स हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क USA। 193 में लास्ट मेंबर कंट्री कौन है, साउथ सूडान। ये सारे क्वेश्चंस हम लोग को कभी ना कभी पूछे जाते हैं, ठीक है। सो यूनाइटेड नेशंस के अभी प्रेजेंट जनरल सेक्रेटरी का नाम क्या है, एंटोनियो गुतरेस। एंटोनियो गुतरेस किस कंट्री से हैं, ये पुर्तगाल से हैं। सो एंटोनियो गुतरेस इज द प्रेजेंट जनरल सेक्रेटरी, है ना। और इसमें आंसर्स आए हैं कुछ, 193 मेंबर, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है। सो फर्स्ट जो पर्सन थे वो नॉर्वे से हैं, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिलिट्री अलायंस। मिलिट्री अलायंस इनमें से कौन से हैं, डेफिनेटली नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो के मेंबर्स कितने हैं, 30। ये मेंबर्स कौन से हैं, नॉर्थ अटलांटिक ओशन के दो तरफ वाले देश, यानी USA, कनाडा, अमेरिका की तरफ से है, बाकी 28 कंट्रीज जो हैं लगभग यूरोपियन के तरफ से हैं, ठीक है। मतलब USA, कनाडा, अमेरिका की तरफ से और बाकी जो देश हैं वो यूरोपियन हैं। तो टोटल नाटो में है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर अगर कहा जाए बेल्जियम ब्रसेल्स में है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा जगह मिल जाएगा, नाटो बेल्जियम ब्रसेल्स। बेल्जियम ब्रसेल्स, ठीक है। इसके हेड का नाम बड़ा इजी है याद रखना, याद रखिएगा, जींस स्टोल्टेनबर्ग, ठीक है, जींस स्टोल्टेनबर्ग। कैसे याद रहेगा, जींस चोरी हो गया है, स्टोल्टेनबर्ग, स्टोल, ठीक है, चोरी हो गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, हेडक्वार्टर ब्रसेल्स, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। विश्वजीत, विव्यान, लक्ष्मण, नीलेश, अभिलाष, सभी लोग बिल्कुल, अभिलाष बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप लोग। चलिए साथ ही साथ हम लोग देख लेते हैं, ये जो थे बाकी तो एशियान है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, और ये जो हैं ये नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाले कंट्रीज हैं, ठीक है, और ये यूरोपियन यूरोपियन जो इकोनॉमिक कम्युनिटी कम्युनिटी है उनका नाम है। ज्योति ने आंसर 15-15-15 दिया, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे रहे हैं, वेल द स्ट्रेंथ ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, बिल्कुल 15 इज द करेक्ट आंसर, 15 बिल्कुल सही। यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में जैसे पार 5 माने मेंबर्स जो हैं ये परमानेंट है, 15 में से इंडिया जैसे कि नॉन परमानेंट मेंबर में है, ठीक है। तो 5 परमानेंट मेंबर्स कौन हैं ये कमेंट में देखना चाहेंगे, अगर किसी को आता है पता तो बताइएगा, 5 परमानेंट मेंबर्स, ठीक है। जैसे कि देखिए फ्रांस तो पहले से ही रहा है, UK USA है ही है,
रशिया भी है और एक कंट्री है, कमेंट अभी किसी का नहीं आया है, चाइना, रशिया, यूएस, फ्रांस। देखिए बिल्कुल सही जवाब आ गया है विवेन मिश्रा का, बिल्कुल सही उन्होंने लिखा है चाइना। एकदम इंस्टेंटेनियस आंसर दे रहे हैं आप लोग, वेल डन, बहुत अच्छा। सो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल स्ट्रेंथ जो है 15 है, 5 इसमें से परमानेंट मेंबर्स हैं, इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर में है, ठीक है। और कुछ कमेंट, अस्मिता का भी बिल्कुल सही है, विश्वजीत पात्रा भी बिल्कुल सही लिखे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटरनेशनल पुलिस, द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इसका नाम में ही आंसर है, इंटर पुलिस माने इंटरनेशनल पुलिस। लियोन फ्रांस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है, लियोन्स फ्रांस। सो इंटरनेशनल पुलिस एक सबसे बड़ी ग्रुप है देखा जाए। सो यूके ज्योति दिए हैं, ठीक है ठीक है, सब लोग मिला के जो आंसर दिए हैं वही है, वेल डन। जिसमें देखिए एक बात आपको बता दें कि इंटरनेशनल पुलिस का काम क्या है कि पूरे वर्ल्ड में एक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। ये 195 कंट्रीज का ग्रुप है, एक मतलब कोई भी क्राइम करके भाग नहीं सकता, अगर भागता है तो उसका इंफॉर्मेशन ये आपस में शेयर करके उसे पकड़ते हैं। सो इंटरनेशनल पुलिस एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस है, ठीक है। और कमेंट में कुछ आ रहा है, फ्रांस फ्रांस फ्रांस, ओके ओके ओके। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज द लोगो ऑफ द वर्ल्ड फंड फॉर नेचर। सो ये जाइंट पांडा है, ठीक है, जाइंट पांडा। सो जाइंट पांडा, बिल्कुल पांडा आपका सही आंसर होगा, वर्ल्ड फंड फॉर। चलिए कमेंट में वैसे दे दिए हैं नीलेश भी, लॉ एंड ऑर्डर ऑफ 195, एक्सीलेंट, बिल्कुल सभी लोग पांडा पांडा, इवन पांडा का लोगो भी दे रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छी बात है। सो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, WWF का, इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड में है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड, ठीक है। वर्ल्ड फंड फॉर नेचर, इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। ये एक तरह से एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड ये वर्क करती है, एक एनजीओ है, एक तरह से ह्यूमन इम्पैक्ट जो होता है पर्टिकुलर एनिमल्स के ऊपर और इन्वायरमेंट के ऊपर उसको प्रोटेक्ट करती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग जुड़े हैं, 131 रीच कर गए हम लोग, और भी क्रॉस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल रेड क्रॉस, इंटरनेशनल रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहाँ है। देखिए मैं एक बात बता दूं आपको, याद रखिएगा हो तो लो, ठीक है, और ये एक तरह से और इसको रेड ही आप याद रखिए, सबका हेडक्वार्टर जेनेवा है, ठीक है। हो तो लो का मतलब WHO, WTO, ILO, रेड क्रॉस, सबका ही हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल एकदम याद रखिएगा आसानी से, ये सब जेनेवा होगा, जेनेवा 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 एकदम, ठीक है। सो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये जेनेवा बेस्ड है। फर्स्ट अर्थ समिट वाज हेल्ड एट, अर्थ समिट फर्स्ट रियो डी जिनारियो में हुआ था, रियो डी जिनारियो कहाँ है, ब्राजील में, ठीक है, रियो डी जिनारियो। और कुछ, अच्छा हाँ, ये किस ईयर में अगर आपसे पूछ ले तो आप इसको रखिएगा 1992 में ऐसा हुआ था, फर्स्ट अर्थ समिट 1992, रियो डी जेनेरियो। बिल्कुल सारे लोगों ने, सत्यरंजन, शुभस्मिता, अभिलाष, लक्ष्मी, पापून, अस्मिता, अभिलाष, सबका आंसर जेनेवा है। अच्छा एक चीज आपको और पूछ लेते हैं, ये ब्यूनस एरिस किसका कैपिटल है, कम से कम इतना बताइए, ब्यूनस एरिस द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, और डर ए सलाम ये किसका कैपिटल है। बाकी कोई ग्रुप का अगर पता हो तो ठीक है, बट कंट्री का कैपिटल तो बता ही सकते हैं, ठीक है। एक सेकंड, दो सेकंड आपको टाइम दिया जाता है, 1990 थोड़ा कमेंट में हम देख लेते हैं बाकी लोग आंसर दे रहे हैं कि नहीं। 1992 सब लोग वेल डन वेल डन वेल डन, ब्राज़ील 1992 बिल्कुल सही, अर्जेंटीना, अभिलाष का सबसे पहले आंसर आया, बिल्कुल अर्जेंटीना ब्यूनस एयर्स कैपिटल है, और डर ए सलाम किसका कैपिटल है जल्दी देख लेते हैं,
नहीं, अदिस अबाबा जो कह रहे हैं वो दूसरा है, अदिस अबाबा इथियोपिया का कैपिटल है, ठीक है, अर्जेंटीना नहीं। आपके ऑप्शंस डर ए सलाम होगा तंजानिया, ठीक है, तंजानिया इज द आंसर, तंजानिया, और बेनस एयर्स अर्जेंटीना। चलिए कुछ ही सवाल और बचे हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डज अप्रूव ऑफ, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डज इंडिया डिस अप्रूव ऑफ, किस में डिस अप्रूव किया है, किस ऑर्गेनाइजेशन को। सो रिसेंटली ये सेंटो से रिलेटेड है, सेंटो, बिल्कुल तंजानिया, बहुत अच्छा सही जवाब विजय का। और हाँ अर्जेंटीना, वेल वेल वेल, वेरी गुड वेरी गुड। सेंटो जो है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका पूरा नाम है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन से अभी डिस अप्रूव किया है इंडिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सत्यरंजन अभिलाष, सभी लोगों ने आंसर सी दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच कंट्री हैज अज्यूम द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 फॉर द ईयर 2021, ये किस कंट्री के साथ है। G20 का मतलब हम लोग जानते ही हैं, ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज। सो इसमें दो आपको बताना है, 2021 का भी बताइएगा, 2022 का भी बताइएगा मुझे, ठीक है। क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2021 का ही पूछा है, आप 22 का भी बताएंगे, 22 का भी बताएंगे। चलिए कुछ लोगों का आंसर रोम इटली आ गया है, बिल्कुल सही जवाब है इटली। इटली में भी कहाँ, रोम में, रोम इटली रोम। ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की अगर बात करें तो रोम इटली किसका हेडक्वार्टर है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। रोम रोम में खाना बसा है, याद रखिएगा, फूड एंड एग्रीकल्चर। वैसे G20 का लास्ट ईयर रोम में हुआ था, और इस 20 में, तो ये रोम बिल्कुल सही जवाब है, और ये बाली है, बाली 2022 में ये बाली है। देखिए किसका आंसर आया है, सभी लोग रोम 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 अभी कह रहे हैं, जर्मनी कह रहे हैं, बाली इंडोनेशिया, ठीक है, बिल्कुल बाली इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, वेयर इज द पाइन आइलैंड ग्लेशियर लोकेटेड इन, तो ये ग्लेशियर है जहां सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स रहते हैं पोलर रीजन में, एक ही आंसर है अंटार्कटिका, ठीक है, बाकी सभी आपके लोकेशन जो है नॉन पोलर, हालांकि ग्रीनलैंड भी पोलर ही है, बट ये पाइन आइलैंड जो ग्लेशियर है ये अंटार्कटिका में पाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज द रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021, ये किसका है, आंसर आप लोग से देखते हैं क्या कमेंट आता है। बाली इंडोनेशिया बिल्कुल सही जवाब है, 2023 इंडिया, एकदम ठीक है इंडिया, विवैन बिल्कुल सही जा रहे हैं, पुपून लगभग हम लोग 140 क्रॉस कर गए हैं लोग, और भी सही आंसर दीजिए, मैक्सिमम आंसर को सही करना है। देखिए इसका फुल फॉर्म अगर कहा जाए, यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, आंसर यानी हिंट आ गया है, UNODC ही होगा, यूनाइटेड नेशंस की ही ग्रुप है ये, हाँ। तो इसका पूरा नाम था कि यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ बोल के है, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर ड्रग कंट्रोल, ठीक है, ये तो फुल फॉर्म मिल जाएगा आपको, UNODC होगा ये रिपोर्ट जो है, ड्रग रिपोर्ट कौन निकालता है, UNODC, बिल्कुल सही, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ड्रग एक्चुअली, ठीक है, अगर थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन इधर भी होता है कोई दिक्कत नहीं, एक्चुअल इसका आंसर हम लोग देखेंगे क्या है, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, ड्रग एंड क्राइम, इसको क्राइम लिखिएगा, ठीक है, क्राइम, ड्रग एंड क्राइम, ठीक है। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।